झारखंड भले खनिज संपदाओं से परिपूर्ण प्रदेश है, मगर खेती की भी इस प्रदेश में अपार संभावनाएं हैं। जरूरत यहां के किसानों को उन्नत तकनीक से खेती करने की है, जिससे राज्य खुशहाली की ओर अग्रसर हो सके। वैसे राज्य के ज्यादातर जिले आज भी वर्षा आधारित खेती या पारंपरिक खेती पर निर्भर है। अच्छी बारिश से कभी कभी किसान भरपूर फसल उपजाते हैं, जिस वजह से उन्हें उचित लाभ नहीं मिल पाता, जबकि बारिश नहीं होने पर किसानों को दोहरा मार झेलना पड़ता है। मगर पूर्वी सिंहभूम जिले के किसानों के लिए अच्छी खबर है। यहाँ के किसानों को अब बिरसा कृषि विश्वविद्यालय स्ट्रॉबेरी की खेती कराने जा रही है। इसके लिए बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जिले के किसानों को निःशुल्क प्रशिक्षण देगी। आपको बता दें कि स्ट्रॉबेरी का बाजार में काफी डिमांड है और इसे काफी दिनों तक तो स्टोर कर रखा जा सकता है। स्ट्रॉबेरी का उपयोग आइसक्रीम, केक, सॉफ्ट ड्रिंक जैसे प्रचलित खान पान में किया जा रहा है, जिसे लोग खूब पसंद करते हैं। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की ओर से पूर्वी सिंहभूम जिले के किसानों को स्ट्रॉबेरी की खेती का निःशुल्क प्रशिक्षण देने की शुरुआत की गई है, जिसमें आवास और भोजन की व्यवस्था भी निःशुल्क की गई है। इसकी जानकारी वरीय वैज्ञानिक सह प्रधानाध्यापक डॉक्टर आरती विन एक्का ने किया। उन्होंने बताया कि किसान भाई यहां रहकर स्ट्रॉबेरी की खेती के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि स्ट्रॉबेरी की खेती किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। सीमित संसाधनों में भी इसकी खेती की जा सकती है। इसमें पानी की आवश्यकता काफी कम पड़ती है। वैसे देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या वाकई किसान पारंपरिक खेती को छोड़ स्ट्रॉबेरी की खेती की ओर कदम बढ़ाते हैं। बहरहाल बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की पहल वाकई सराहनीय है। इसे झारखंड के किसानों के लिए एक उम्मीद के रूप में देखी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज वायरल, बिहार। इंट्रोडक्शन देना होगा। नमस्कार, जोहार सभी को। मैं डॉक्टर आरती बीना एक्का, वरीय वैज्ञानिक सह प्रधान कृषि विज्ञान केंद्र पूर्वी सिंहभूम में कार्यरत हूँ। मैडम, ये जिला में स्ट्रॉबेरी की खेती कितना सहायक होगा किसानों के लिए? जैसे कि हम लोगों ने अपने यहाँ पे अनुसंधान भी किया है स्ट्रॉबेरी पे, तो यहाँ पे पूर्वी सिंहभूम में अगर देखा जाए तो ठंड के मौसम पे अक्टूबर से लेकर के जो आपका अगर नवंबर तक किसान भाई स्ट्रॉबेरी को लगाते हैं, और उसमें भी जो चिन्हित किस्में हैं जिसमें स्वीट सेंसेशन है और विंटर डॉन है, ये वैरायटी अगर वो लगाते हैं अपने खेतों में और अनुशंसित खाद की मात्रा के साथ में, तो ये काफ़ी हद तक सफल हो सकता है और इससे किसानों की आमदनी भी बढ़ सकती है। क्योंकि अगर देखा जाए तो टमाटर, बैगन या फूलगोभी की किसान खेती करते हैं, जब मार्केट में उसका ढेर बन जाता है तो उसका जो लागत है कम हो जाता है, लेकिन स्ट्रॉबेरी अगर करते हैं तो स्ट्रॉबेरी को कुछ दिन तक सेव करके भी रखा जा सकता है, और ये इस तरह का फल है जिसको खाने को अगर लोगों को मिल जाए तो उनका न्यूट्रिशन या पोषण जो है वो भी काफ़ी हद तक बढ़ेगा और इससे लोगों की आमदनी भी काफ़ी अच्छी होगी। लोग कैसे जानेंगे ये स्ट्रॉबेरी की खेती कैसे करनी है, इसमें कहाँ संपर्क करना होगा? कृषि विज्ञान केंद्र पूर्वी सिंहभूम से हमारे किसान भाई संपर्क कर सकते हैं स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए। यहाँ पे हम लोग जो भी आधुनिक तकनीक है उससे संबंधित प्रशिक्षण भी देते हैं, और यहाँ पे किसान भाई आवासीय और गैर आवासीय प्रशिक्षण दोनों तरह से ले सकते हैं। अगर किसान भाई यहाँ रह करके खेती के बारे में सीखेंगे तो वो कुछ प्रैक्टिकल भी करेंगे तो उनका नॉलेज काफ़ी हद तक बढ़ेगा, तो उसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र आना है। अगर 15 से 20 किसान भी उस खेती के लिए हो जाते हैं तो हम लोग जरूर उसको निःशुल्क, यहाँ पे हमारा जो मैंडेटरी प्रशिक्षण देना है उसके तहत हम लोग किसान भाई को प्रशिक्षण देंगे, जानकारियाँ देंगे, तकनीकी देंगे, ताकि वो अच्छे ढंग से खेती कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा प्राप्त कर सके।